हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। और आप देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर बेनिफिट्स एंड इंग्रेडिएंट्स AWPL प्रोडक्ट पाउडर। अभी 2021 में AWPL ने कुछ प्रोडक्ट्स के पैकिंग को चेंज किए हैं। आप देख सकते हो प्रोडक्ट पाउडर पहले किस पैकिंग में था और अब न्यू पैकिंग कैसी दिख रही है, ये भी आप देख सकते हो, है ना। प्रोडक्ट पाउडर जो है ये एक आयुर्वेदिक पाउडर है जो कि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है आयुर्वेद के रूप में प्रोडक्ट पाउडर को, AWPL का। इस पाउडर को विदारिकम, भृंगराज, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, अशतावरी, सफ़ेद मूसली इत्यादि के द्वारा मिलाकर बनाया गया है। यदि हम बात करें AWPL कंपनी के द्वारा इस प्रोडक्ट को एक हर्बल रूप में तैयार किया गया है और इसे ताकत का खजाना भी माना जाता है। ये प्रोडक्ट प्रोटीन को आयुर्वेद रूप में इस्तेमाल करने का एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है। विदारिकम जो है हम लोग की बढ़ती उम्र को धीरे धीरे स्लो करने में काफ़ी सक्षम है, ये एक कह सकते हैं एंटी एजिंग औषधि है। विदारिकम हुआ, इसके अलावा भी हम एंटी एजिंग औषधि के बारे में बात की है अपने पिछले वीडियो में, जैसे मिंट हुआ, पुदीना जिसे कहते हैं, ये भी एंटी एजिंग औषधि माना जाता है। फिलहाल हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट में विदारिकम जो है वो एक एंटी एजिंग औषधि के रूप में यूज होता है। उसके बाद भृंगराज जो है, भृंगराज तो एक्चुअली बालों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी जा रही है और ये वर्षों से इस्तेमाल होते आ रहा है ये औषधि बालों को काला, घना, लंबा करने के लिए। इसके अलावा स्किन डिजीज या आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, वात, कफ, पित्त इत्यादि रोगों में भी औषधि का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस पाउडर को आप जब इस्तेमाल करते हो तो इसमें विदारिकंद है, भृंगराज है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शतावरी है, सफ़ेद मूसली है। तो ये मतलब कि सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बहुत सारे आपको जो समस्याएं हैं उसमें भी ये काफ़ी कारगर है। शतावरी जो देख रहे हो आप, ये लोगों के बढ़ते वजन, जो कि परेशान है लोग आज के डेट में, बढ़ते वजन से जो लोग परेशान हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी औषधि है शतावरी। इसके अलावा ये भी एक एंटी एजिंग है क्योंकि ये चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। तो उम्र के जो पड़ाव को है और उसके स्पीड को है थोड़ा स्लो करता है, ये एक एंटी एजिंग औषधि मानी जाती है शतावरी। इसका इस्तेमाल माइग्रेन में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है शतावरी। इसके अलावा आप देख सकते हो शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, माइंड के लिए काफ़ी अच्छा ये माना जाता है शंखपुष्पी और ब्राह्मी को। माइंड जो है इससे काफ़ी कूल रहता है, स्मरण शक्ति स्ट्रांग होती है, ब्राह्मी हुआ, शंखपुष्पी हुआ, इन औषधि से। अश्वगंधा ये काफ़ी अच्छी औषधि है और इसका इस्तेमाल ताकत के लिए किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है सफ़ेद मूसली जो है, सफ़ेद मूसली तो बॉडी बिल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी औषधि मानी जाती है और इसमें बहुत सारे ताकत का खजाना छिपा हुआ है इस औषधि में। और इस औषधि को आप इस्तेमाल करके काफ़ी एनर्जी आप ले सकते हो। अब बात करते हैं हम इसे कैसे इस्तेमाल करें, है ना। तो दोस्तों हम बता दें आपको, पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में बता चुके हैं कि हाउ टू यूज़ प्रोडक्ट पाउडर, है ना। इस पर दो वीडियो चूँकि हम बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसमें लिंक दिया हुआ है, आप दोनों वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो सिर्फ बनाया गया था न्यू पैकिंग के लिए और ओल्ड पैकिंग के लिए, कि अभी जो फ़िलहाल में AWPL में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में चेंजिंग आई है। तो मैं अभी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाया जिसमें कि आपको बताया कि पहले प्रोडक्ट पाउडर की पैकिंग कैसे थी, अभी फ़िलहाल कैसी दिख रही है। तो आपको इसके यूजेस और क्या क्या हमको परहेज़ करने हैं, इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है इत्यादि के बारे में जाननी है, पूरी डिटेल्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियोस हैं इसके प्रोडक्ट पाउडर के बारे में। दो वीडियो हम डाल चुके हैं, उन वीडियो के लिंक पे जाकर क्लिक करके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और जो दोस्त नए हैं प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।